हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज के दोस्तों मैं बताने वाला हूँ दोस्तों कैसे ही अपने रियलमी के फ़ोन में दोस्तों पर्सनल हॉटस्पॉट सेटिंग को दोस्तों हम कैसे ही ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आपको अपनी पर्सनल सेटिंग यूज़ करनी है, मतलब जो आपका मोबाइल हॉटस्पॉट है आपको उसको यूज़ करना है, तो दोस्तों कैसे उसको ऑन ऑफ करके यूज़ कर सकते हो आज के वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फ़ोन की सेटिंग को ऑन कर लेना है। फ़ोन की सेटिंग ऑन होते ही दोस्तों आपको वाईफाई सेटिंग दिखेगी, ब्लूटूथ सेटिंग, और फिर दोस्तों आपको दिखेगा यहाँ पे कनेक्शन और शेयरिंग का ऑप्शन। तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको दिखेगा यहाँ पे एरोप्लेन मोड। तो दोस्तों अपने एरोप्लेन मोड को ऑन ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ से इसको ऑन कर सकते हो। तो दोस्तों आपको पता ही है एरोप्लेन ऑन करने के बाद दोस्तों आपका नेटवर्क वगैरह इंटरनेट वगैरह काम नहीं करता, फ़ोन कॉल्स वगैरह रुक जाती है, मतलब कोई आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। अब दोस्तों आपको यहाँ दिखेगा पर्सनल हॉटस्पॉट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको नोटिफिकेशन दिखेगा यूज़ अ पर्सनल हॉटस्पॉट टू शेयर योर वाईफाई, मतलब आपने जो हम इसको यूज़ करते हैं दोस्तों अपने मोबाइल नेटवर्क को शेयर कर सकते हैं और वाईफाई वगैरह को आप शेयर करते हो तो मोबाइल नेटवर्क दिखाएगा आपको। तो दोस्तों आपको यहाँ पे इसको ऑन कर लेना है। ऑन करते दोस्तों सबसे पहले तो आपको दिखेगा यहाँ पे क्यूआर कोड। दोस्तों इस क्यूआर कोड का क्या मतलब है, तो दोस्तों आप यहाँ से अपने हॉटस्पॉट को शेयर कर सकते हो। इसके दोस्तों आपने आपके पास जो इंटरनेट है आपका फ़ोन का आप उसको ऑन कर लेना और आपको वाईफाई क्यूआर कोड दिख रहा है यहाँ पे, ये हॉटस्पॉट क्यूआर कोड है। और दोस्तों आप किसी भी डिवाइस में इसको कनेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ से इसको शेयर कर सकते हो। अब दोस्तों आपको दिखेगी अपनी पर्सनल हॉटस्पॉट सेटिंग, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों पहले तो आपको दिखेगा जो आपका हॉटस्पॉट नेम है वो रियलमी है, आप उसको रीनेम करना चाहो तो रीनेम कर लेना, इसकी मैं रियलमी मोबाइल कर देता हूँ। और दोस्तों आपको पासवर्ड भी दिख जाएगा, और दोस्तों आपको अपने पासवर्ड को कट कर देना है। अगर आप नया पासवर्ड लगाना चाहते हो दोस्तों यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हो, और यहाँ से दोस्तों आप राइट साइड क्लिक करोगे आपका पासवर्ड वो चेंज भी हो जाएगा। आप देख सकते हो हमारे पे न्यू डिवाइस नेम आ जाएगा और न्यू पासवर्ड आ जाएगा। अब दोस्तों आपको देखिए कनेक्शन मैनेजमेंट, तो आप इस पर क्लिक कर देना। और दोस्तों आपने जो मैक्सिमम अलाउड कनेक्शन है, अगर दोस्तों आप इस पर A1 पे क्लिक करोगे दोस्तों आप ओनली एक ही डिवाइस जो आपका हॉटस्पॉट है वो कनेक्ट करेगा, और अगर आप चाहते हो 3, 3 या 4 मतलब डिवाइस कनेक्ट कर ले तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। इसके दोस्तों मैं 3 पे क्लिक करके रख लेता हूँ। और दोस्तों आपने जो ब्लॉक लिस्ट वगैरह वो कर रखा है अपने डिवाइस, तो आप यहाँ से उसको अनब्लॉक कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों अपने हॉटस्पॉट को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आपको दिखेगा ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ पर्सनल हॉटस्पॉट, आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हो यहाँ से। और दोस्तों लास्ट हम इसको ऑफ ऑफ कर देंगे, और दोस्तों ऑफ करने के बाद आपको क्यूआर कोड नहीं दिखेगा, मतलब आप शेयर नहीं कर सकते। आपको शेयर करना तो आपको दोबारा से ऑन करना पड़ेगा, फिर आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा। तो इस तरीके दोस्तों अपने पर्सनल हॉटस्पॉट को ऑन ऑफ करके यूज़ कर सकते हैं अपने रियलमी के फ़ोन में। चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए नमस्कार।